बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा 2023 मई जून वेरिएंट 23 यानी 13 2023 मई जून वेरिएंट 13 कुछ क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने करूंगा। पहला क्वेश्चन है, प्रोपेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद रिएजेंट एक्स एट रूम टेम्परेचर। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सोडियम प्रोपेनोएट। नो गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। वॉट कुड बी द रिएजेंट एक्स। देखिए, प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है? CH3CH2COOH। इसमें आपने एक्स डाला है, ठीक है। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज सोडियम प्रोपेनोएट CH3CH2COONA। इसका मतलब है जो भी रिएजेंट है उसमें सोडियम तो है, लेकिन कह रहे हैं नो गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। बताइए वो क्या चीज है? क्या वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है? क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर होता तो क्या पानी बनता? गैस तो नहीं, पानी बनता, ठीक है। तो पानी बेटा, पहले मैं पास पेपर कराऊंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। जैसे ही पास पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर जिसको जाना है वो जा सकता है, और जिसको प्रॉब्लम डिस्कस करनी है वो डिस्कस कर सकता है। अच्छा जी, बताइए बेटा क्या बोल। बेटा 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर जो है वो क्वेरीज स्टार्ट हो जाती है। सही सर, मैं एक दूसरी क्लास भी, तो मैं फिर क्यूरीज के वक्त आ सकती हूँ? आ आप जाए, इसकी तो आपकी मर्जी। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ, मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा जैसे मुझे सही। मिलती है, ठीक है। चलिए ओके बताइए बेटा, बेटे, ठीक है बेटे, बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए? NaOH। NaOH, अगर ये NaOH होगा तो वाटर बनेगा हमारे पास, गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो बी आंसर सही होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर टू। द आयनिक इक्वेशन शो आयोडाइड आयंस रिएक्टिंग विद KMnO4 इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। द लेटर U, V, W, X, Y एंड Z ऑल रिप्रेजेंट होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं है। टू और मोर ऑफ U, V, W, X, Y एंड Z आर द सेम एज ईच अदर, ठीक है। व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ V, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे पूछा लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वी। तो लेट सपोज वी कहाँ है? वी यहाँ है, ठीक है। तो आप इसको मिटाते हैं और टू रख के देखते हैं, ठीक है। देखिए वन बाय वन करके देखते हैं, पहले टू करके देखते हैं, ठीक है। अगर आप वी की जगह टू लगाएंगे, यानी यहाँ टू लगाएंगे, तो आपके पास एच हो गया है टू, तो डेफिनेटली यहां फिर वन आएगा। जैसे ही आपने यहां वन लगाया तो ऑक्सीजन हो गया एक, ऑक्सीजन हो गया एक, ऐसे ही है ना बेटा। तो इसका मतलब है यहां फिर 1/4 आना चाहिए और फ्रैक्शन है, इसका मतलब है ए गलत हो गया। बोले, बात समझ आ गई है? जी सर। अब आइए ऑप्शन नंबर टू देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू है 8, वी की वैल्यू आप 8 रखते हैं। जैसे ही आप यहाँ 8 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। जैसे वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, इसका मतलब है यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे आपने मैग्नीस 1 रखा तो एक्स की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब आप गौर से देखें कि आपके पास अब आयोडीन का मसला आ रहा है, ठीक है। तो अब आप गौर से देखें, यहाँ आपके पास 8 हाइड्रोजन है, राइट पर 8 हाइड्रोजन है, लेफ्ट पे 4 ऑक्सीजन है और राइट पे 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट पे 1 मैग्नीस है, राइट पे 1 मैग्नीस है, सब कुछ बैलेंस है।
तो भाई आप यहाँ पे टू रख दें, सही है, बल्कि आप एक काम करें, आप यहाँ पे नेट चार्ज निकाल लें, लेफ्ट पे कितना आ रहा है, ये माइनस वन आ रहा है, ये प्लस एट आ रहा है, तो प्लस सेवन आ रहा है, जबकि इधर देखें प्लस टू आ रहा है, तो बताएं क्या रखें कि ये भी प्लस टू हो जाए लेफ्ट वाला। फाइव रखें तो ये बैलेंस हो जाएगा टू टू। तो जैसे ही आपने यहां फाइव रखा, आयोडीन हो जाएगा फाइव अपॉन टू, फिर फ्रैक्शन आ गया, फिर फ्रैक्शन आ गया, तो लिहाजा बी भी नहीं हो सकता, होल नंबर होना चाहिए। आपके पास तीसरा चांस है कि आप इस सवाल को दोबारा समझ लें। ये देखिए, अब मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं 10, तो V की वैल्यू मैंने 10 रखी, अब हाइड्रोजन हो जाएंगे 5, जैसे 5 रखा तो ऑक्सीजन यहां हो जाएगा 5/4, फिर फ्रैक्शन आ गया, लिहाजा C गलत हो गया। बोलो मेरे बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे आते हैं इसका, ये गलत हो गया। अब डी है 16, तो यहाँ 16 रखने से राइट पे हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, जैसे ही 8 रखेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, जैसे ही 2 होगा मैग्नीस राइट पे 2 हो जाएगा। आइए अब चार्ज देखते हैं, यहाँ माइनस 2 प्लस 16, तो यहाँ तकरीबन हो रहा है 14 और यहाँ हो रहा है 4, तो बताइए कितना होना चाहिए कि 4 हो जाए? 10 होना चाहिए, यहाँ 10 रखा आपने, जैसे ही 10 रखा यहाँ 5 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ सारे होल नंबर हो गए, 16 आंसर इज करेक्ट। चेक करो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? देखो बेटा, इसी तरह से करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप दो इक्वेशन में तोड़ेंगे, इतना ऑक्सीडेशन मेथड करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत लंबा मेथड है, ये आसान तरीका है। तो मैंने तो तरतीब से किया ना, तो मैं अगर स्टार्ट करता तो मैक्सिमम नंबर से करता। क्यों मैक्सिमम नंबर से करता? क्योंकि इसने लिखा है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वी, तो मैं हाईएस्ट से करता। आपको समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ पीस ऑफ रॉक हैज अ मास ऑफ 2 ग्राम, ठीक है जी, इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट बट नो अदर बेसिक सब्सटेंस, इट न्यूट्रलाइज एग्जैक्टली 36 सीएम क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब एचसीएल। अब आपने क्या करना पड़ेगा, एचसीएल के मोल निकालने पड़ेंगे बेटे, HCl के मोल निकालने पड़ेंगे। तो आप HCl के मोल कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। आपने यहाँ रखा कंसंट्रेशन विच इज 0.5, वॉल्यूम रखा 36, डिवाइड बाय 1000 किया, आपके पास मोल ऑफ HCl आ गया। ये था आपका स्टेप 1। अब आपने क्या किया, जैसे आपके पास HCl के मोल आ गए, फिर आपने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालने, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज निकाल ली है ना बेटा, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालने। अब ये आ गया आपके पास स्टेप 2। 1:2 का रेशियो है, आपने यहां रखा 1:2, क्यों 1:2 का रेशियो है, देखें ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट ग्रुप 2 का है, 2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, बनेगा कैल्शियम का क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तो रेशियो आ रहा है 1:2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास एक्स आ जाएगा 0.009 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 0.009 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपने क्या करना पड़ेगा, अब आपको निकालनी पड़ेगी इसकी परसेंटेज, अब आपने निकालनी पड़ेगी इसकी परसेंटेज, ठीक है मेरे बच्चे?
तो परसेंटेज निकालने से पहले स्टेप थ्री करेंगे जिसमें आप ग्राम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका स्टेप थ्री। स्टेप थ्री इज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला लगाया मिस्टर मोल का, एम आर मल्टीप्लाई बाय मोल, मोल है 0.009, एम आर है 100, मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया 0.9, आपके पास आंसर आ गया 0.9। फिर आप करेंगे स्टेप फोर। स्टेप फोर में परसेंटेज इज इक्वल टू 0.9 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास है 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, 45% आ जाएगा। बेटा चेक कर लेना 45 ही परसेंट है ना सर, यही आ रहा है। ठीक हो गया मेरे बच्चों, तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया क्वेश्चन नंबर थ्री? ठीक हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर। L and M are elements in period 3 of the periodic table. Neither element is argon nahi hai, bilkul bhi nahi hai, period 3 mein transition metal nahi hai. Information about the Pauling electronegative values of L and M is given. Theek hai. The highest of the 7 element sodium to chlorine L hai. Highest value hai. Theek hai. M kya hai? Lowest of the 7 element of sodium to chlorine. तो अगर हाईएस्ट की बात होगी तो बताइए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ना। अच्छा जी, और बताओ लोएस्ट किसकी होगी? सोडियम की। चलो सोडियम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये सोडियम और क्लोरीन कर लेते हैं तो इसके बाद हम आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। बताइए एलिमेंट एल कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, बताइए क्लोरीन में क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है? होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन का। नंबर टू, एलिमेंट एल हैज हायर एटॉमिक नंबर देन एलिमेंट एम, तो बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, सोडियम का है 11। ये भी सही है सर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नंबर थ्री, अ कंपाउंड ऑफ एल एंड एम कंटेन आयनिक बॉन्ड, बताइए सोडियम और क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक। तो भाई तीनों सही है, ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अमोनिया रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द अमोनियम आयन, विच रॉ इज करेक्ट, बताइए अमोनियम में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है 1 डेटिव बॉन्ड है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है 1 डेटिव बॉन्ड है, बताइए ये कौन सा शेप है? टेट्राहीड्रल। बिल्कुल सही कहा आपने, टेट्राहीड्रल। बताइए टेट्राहीड्रल का एंगल कितना होता है बेटा? 109.5। तो एंगल इज 109.5, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए जी क्वेश्चन नंबर सिक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस differences can be used to help determine the oxidation number of an atom in different species. A number of rules are used which include, ठीक है जी, the more electronegative atom is given a negative oxidation number, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा electronegative होगा उसका negative होगा। Hydrogen is more electronegative than group 1 metal, ठीक हो गया, oxygen is more electronegative than hydrogen. अब आपसे पूछ रहा है विच रॉ इज करेक्ट, विच रॉ इज करेक्ट। गौर से सुनिएगा मेरा बेटा, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, गौर से सुनिएगा, ठीक है। बताइए क्रोमियम, क्रोमियम क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन दे रहा है? 2 क्रोमियम है कहीं?
नहीं, तो इसका मतलब है ये तो सही है। बताइए बी में कोई दो चीज है, हाइड्रोजन है दो जगह, हाइड्रोजन दो जगह है, यहां -1 है और इसमें +1 है और इसमें 0। बोले क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? नहीं सर, ये नहीं है, नहीं, क्योंकि दोनों में क्यों? ऑक्सीडाइज हो क्योंकि रहे हैं। दोनों में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये गलत हो गया। तो लिखेंगे बोथ हाइड्रोजन शो ऑक्सीडेशन ओनली। चलिए जी, अब सी में आ जाइए। अब सी में देखें मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज देखें बेटा, मैंने ना रिडॉक्स, जाहिर सी बात है डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिडॉक्स हो ही जाएगा, ठीक है? तो पहले मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन देखा, बाद में मैं रिडॉक्स देखूंगा। अच्छा जी, यहाँ आ गया -8, वहां जाके +8, +8 का मतलब है +6। यहाँ मैग्नीज आ गया +4, यहाँ आ जाएगा -8, वहां जाके +8, तो ये +7। बताइए क्या +6 से +7 ऑक्सीडेशन हो रहा है जी सर, रिडक्शन भी हो रहा है। और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, तो ये भी ये सही है। आप आ जाइए, क्या यहाँ दो दो हाइड्रोजन है, क्या है मतलब डी में क्या चीज दिख रही है आपको? कोई चीज दो दिख रही है? नहीं सर, कोई नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो बेटा अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है, ए और सी। अब अगला ऑप्शन है आपके पास रिडॉक्स। तो आइए अब इसको देखते हैं, क्रोमियम है यहाँ पर -8, तो ये ऑक्सीडेशन आ जाएगी +6। यहाँ क्रोमियम आ जाएगा 7 × 2 = 14, -14, उधर जाके +14, +14 -2 = 12, 12 / 2 = 6, +6। बताइए क्या क्रोमियम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा, तो रिडॉक्स नहीं है, सी इज करेक्ट। जो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, कॉमन सेंस की बात है, उसी वक्त आपको सी आंसर लिखना चाहिए। जो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है वो रिडॉक्स कैसे हो सकता है? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। विच असम्पशंस आर मेड अबाउट द आइडियल गैस? बताइए आइडियल गैस कंटेन मॉलिक्यूल्स विद नो मास, क्या ये जुमला सही है? नहीं सर, गलत ऐसा तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा। आइडियल गैस कंटेन मॉलिक्यूल विद नो वॉल्यूम, जी नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जी 2 और 3। बेटा मुझको पूरे 40 में से 40 नंबर चाहिए, और याद रख लेना मेरे बच्चों के अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखते हैं। जब पेपर तुम्हारे हाथ में आए बिस्मिल्लाह कह के स्टार्ट करो, जब पेपर खत्म करो बिस्मिल्लाह कह के खत्म करो, इसमें शैतान दाखिल नहीं होगा, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो अभी भी तो तुम लोग कर रहे हो ना, तो और तुम लोगों ने गैप भी नहीं दिया डेली। अगर घर पे पढ़ नहीं रहे, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ो, मेरे साथ तो 1 ईयर कर ही रहे हो ना बेटा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं होगा तो मेरे, मैंने मेहनत की है ना, तो अल्लाह मेरे से, अगर तुमने मेहनत की मैंने भी किया, इंशाल्लाह अल्लाह और अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 cm³ सैंपल, समझ मेरी बात समझ आ रही है बेटे? सर शाबाश शाबाश। अच्छा बेटा, बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, पानी बहुत पी के रखें, धूप में बाहर बाहर ना निकले। बस सिर्फ 7 जून को लास्ट पेपर है ना आपका, बस 7 तक के ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मौसम ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। आ 200 cm³ सैंपल ऑफ वाटर हैज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन इट। टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है पानी का, 200 cm³ सैंपल ऑफ वाटर हैज एन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन इट, पता है नहीं है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 606 cm³ और प्रेशर दिया हुआ है 1 × 10^5 पास्कल, टेम्परेचर दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर। अच्छा जी, उसने नीचे बता दिया आइडियल गैस, तो बताइए क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करके ऑक्सीजन का मोल निकाल सकते हैं?
पीबी इज इक्वल टू एन आर टी करके आप मोल निकाल सकते हैं, एन इज इक्वल टू पीबी ओवर आर टी। बताओ बेटा प्रेशर सही है, इसको चेंज करना है यूनिट? नहीं सर सही है। अच्छा, वॉल्यूम में सीएम क्यूब है, मीटर क्यूब में करेंगे ना? जी सर, 10^-6 होगा। -6 होगा, अल्लाह तेरा शुक्र है बेटे, शाबाश। आर की वैल्यू क्या रखेंगे बेटे? 8.31। बेटा टेम्परेचर कितना रखेंगे? 35+273 कितना होगा? कितना आ जाएगा बेटा? 308। जीते रहो बेटा, खुश रहो। 308 बताना जरा कितने मोल आ रहे हैं? 0.2344। बेटा एक मिनट है, कितना बेटा? 0.234 मोल। अब आ जाओ स्टेप टू। स्टेप टू टू पॉइंट थ्री फोर एक्सपोनेंट माइनस फोर। ठीक है बेटा, आप कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोल है तुम्हारे पास 2.34 इंटू 10^-4। वॉल्यूम तुम्हारे पास है 200 मल्टीप्लाई बाय 1000। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? बी वाला यानी 1.17 इंटू 10^-3 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये आपके पास बी आंसर आएंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई बक मिस्टर फ्लोरीन, यानी बक्की बॉल हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन ग्रेफाइट। चलिए बताइए, पहले बक मिस्टर फ्लोरीन एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल विथ वीक इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। सही जुमला लग रहा है ये? सही जुमला लग रहा है। अच्छा बताइए, बी सही लग रहा है आपको? ए सही है सर। ए सही है। अच्छा नहीं, बी क्यों गलत लग रहा है? मैंने कहाँ से आ रही है सर, इलेक्ट्रिसिटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, और सर आयोनिक भी कहाँ है? आयोनिक कहाँ है? अच्छा ग्रेफाइट इज पार्शियली आयनिक। नहीं ये तो गलत है भाई, पार्शियली आयनिक कहाँ से आ गया? बात समझ आ रही है? अच्छा देखिए, सी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग बग मिस्टर फ्लोरीन आर शॉर्टर एंड मोर स्ट्रेंड। जुमला तो सही है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का से कोई ताल्लुक नहीं है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बग मिस्टर फ्लोरीन आर शॉर्टर। नहीं, ग्रेफाइट ग्रेफाइट में भी वही बॉन्डिंग है, इसमें भी बॉन्डिंग है। शॉर्टर का लफ्ज तो गलत है ये बेटा, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं ना जी। तो ये तो गलत है। स्ट्रेन तो है, स्ट्रेन का मतलब ये होता है जब भी रिंग आएगा ना, रिंग स्ट्रक्चर, तो स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि देखें आपको मालूम है ना 120 डिग्री एंगल है, ठीक है, लेकिन जो हेक्सागोन है उसका 120 थोड़ी होता है। आपको अगर मैथ्स आती है आपको मालूम है कि हेक्सागोन का 120 डिग्री एंगल थोड़ी होता है। तो लिहाजा इस वजह से स्ट्रेन है, रिंग चाहता है मैं टूट जाऊं, ठीक है। अच्छा ऊपर लिखा है बक मिस्टर, तो मुझे अच्छा लास्ट देख लेते हैं। द मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट मींस इट हैज अ मेटालिक स्ट्रक्चर। पता नहीं ये कहां से ये इररिलेवेंट बात है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन तो सोडियम में भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, वो मेटालिक तो है, ठीक है। ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट तो आपको मालूम है कार्बन नॉन मेटल है ना, तो मेटालिक स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? अच्छा अब आप बक मिस्टर फ्लोरीन को देखेंगे तो C60 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक अलग आइडेंटिटी है उसकी। आपके सामने अगर कोई पेन पड़ा हुआ है वो एक डिस्क्रीट डिस्क्रीट है, एक पेन है, ठीक है। मतलब बक मिस्टर C60 60 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वीक वैन डर वाल्स। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? Yes. आइए क्वेश्चन नंबर 10,
which equation represents the reaction whose standard enthalpy change is the standard enthalpy change of formation of water? बच्चों वाला सवाल है, बताइए इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन भी निकालना है, ठीक है? स्टैंड व्हिच इक्वेशन इज द रिएक्शन हुज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज, इस फॉर्मेशन कौन सी है? क्या ये फॉर्मेशन होगी? नहीं कभी, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब बताइए फॉर्मेशन में एलिमेंट होने चाहिए या एच ओ एच होने चाहिए? सर बी लग रहा है इसका, अभी चेक कर लेते हैं। नॉट एलिमेंट, बताइए बी, बी एलिमेंट है? बी नहीं, क्या ये कोई एटम है? एटम तो है एटम, लेकिन ये एलिमेंट, ये मतलब ये ओ क्या, ओ क्या, ओ गैस होता ही नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट ही नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, ये मॉलिक्यूल है। बी इज करेक्ट। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हिच मिक्सचर विल रिएक्ट टू फॉर्म एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ वाटर, व्हिच मिक्सचर विल रिएक्ट टू फॉर्म एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ वाटर। ये देखें ये H2SO4 है, ये NaOH है, ठीक है। इन दोनों को आपने मिलाना है और पानी बनाना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूँ, व्हिच मिक्सचर विल रिएक्ट टू फॉर्म एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ वाटर। तो पहला है आपके पास H2SO4 और दूसरा NaOH। पहला H2SO4 दिया हुआ है 2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। पहले तो आपने H2SO4 का फॉर्मूला लिखा, बन गया H2O, यहां आ जाएगा 2। बताइए फिर इसको फ्रिज में, अब मुझे आप मुझे बताइए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? सर दो पानी बनता है, दो पानी बनेंगे। अच्छा सवाल में क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ वाटर लिखा हुआ है ना, तो बताइए क्या ये 1 मोल ऑफ वाटर है? नहीं। तो इसको 1 लाने के लिए आपने जो है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2। बोलो बेटा ऐसा ही है ना? सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि NaOH के इसमें 1 मोल आ रहे हैं तो 2:2 का रेशियो है तो 1 भी 1 ही होगा। उसके लिए आपने इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना? जी जी। तो अब आपने यहाँ पे लिखा ये 0.5 आ रहा है, ठीक है, जब 1/2 करेंगे 0.5 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो अब आप देखें रेशियो आ रहा है 0.5:1, फ्रिज में रखनी। बेटे आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये H2SO4 0.5:1 का रेशो है। तो अब बताइए ए में ये 250 है, ये 500 है, कितना रेशो आ रहा है? हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप पहले इसके मोल निकाल लें, ठीक है। देखें आपको कंसंट्रेशन गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो आप इसके मोल निकाल सकते हैं ना बेटे? Yes, आपने 250 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1000 करके मोल निकाल लिए, ये आ गए मोल ऑफ H2SO4 0.5। इसी तरह से आपने NaOH के मोल निकाले, मोल ऑफ NaOH 0.5। क्या दोनों के 0.5 रेशियो सही है? बोले बेटा क्या दोनों का 0.5 यानी 1:1, ये तो गलत हो गया। अब आपने बी करना है, बी बी में आपने 250 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1000 किया, 1 आ गया। इसी तरह से NaOH में आपने किया, ठीक है। NaOH में कह रहा है 1000 है, तो 1000
मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा बेटा? 1। बोले बेटा अभी भी क्या 1:2 क्या रेशो आ रहा है बेटे? 0.5:1 का रेशो आ रहा है। तो बी में, बी में इसको मैं बी को दोबारा कर रहा हूँ, देखिए बेटे 250 मल्टी, ये तो वही है ना 0.5 आ गया, 0.5:1 जी। तो 11 का बी आंसर आ गया। कम अज कम आप ये जहन में रखें कि अगर आपका मैथ सही है, 5 न्यूमेरिकल तो देखें हर ईयर में आ रहे हैं, 5 से 6, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, द एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद NaOH इज -57, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है ना। इन एन एक्सपेरिमेंट 20 cm³ ऑफ 4 mol/dm³ HNO3 इज मिक्स्ड विद NaOH, ये दिया हुआ है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज 25°C, टेम्परेचर भी आ गया। इट कैन बी अज्यूम दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर इज 4.2, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, पहले आप ये बताइए कि एच एन ओ थ्री के मोल कितने हैं? मोल ऑफ एच एन ओ थ्री 20 × 4 0.08। खुश रहे बेटे, 0.08 मोल। अच्छा बेटा, अब निकालो जरा मोल ऑफ NaOH। मोल। बोलो कौन लिमिटिंग है? 0.06। ठीक है जी, ये लिमिटिंग हो गया, ये लिमिटिंग हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा जी, इंथैल्पी चेंज आपको दी हुई है -57। तो अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन, तो ये -57 दिया हुआ है बेटा, ये क्यू दिया हुआ है, एन आपने लेने लिमिटिंग रिएक्टेंट के 0.06। बोले बेटा बात समझ आ रही है? ये आपने स्टेप, ये आपका स्टेप टू होना चाहिए, ठीक है। हाय मेरे बच्चों, आराम से समझ लो बेटा, नहीं समझ में आ रहा है मुझसे मुंह से बोलो, नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है। ये स्टेप वन है, ये स्टेप टू हो गया। बताइए कितना आ रहा है क्यू बेटा? 3.420 मेरा बेटा, जी जी रहा। ये आ जाएगा जूल्स, जूल आएगा, किलो जूल आएगा बेटे, किलो जूल आएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू 57 किलो जूल में। अच्छा जी, अब आप क्या करें इसे जूल बनाने के लिए, क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम कर लेते हैं स्टेप थ्री, सही लिमिटिंग रिएजेंट के क्यों नहीं है आपने मोल्स? बेटा हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से करते हैं, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स आते हैं। तो जिसके कम होंगे वो लिमिटिंग वाला होगा? हाँ हाँ ना, जिसके कम होंगे वो लिमिटिंग होगा, सही। अच्छा जी, अब ये देखते हैं क्यू की वैल्यू निकालेंगे, इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 3420 जूल। अब आपके पास स्टेप फोर आ गया, ये रहा स्टेप फोर। स्टेप फोर में आप क्या करेंगे मेरा बच्चा? आप क्यू की वैल्यू आपको है तो आप क्यू की वैल्यू रखेंगे 3420 मास। बताएंगे आप टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटा इन दोनों का? 50 50 आ रहा है ना,
अच्छा बाद में आपको समझना है, इसलिए 30+20 लिखा मैंने, 20+30 लिखा। सी की वैल्यू क्या है बेटे? 4.2 दी। 4.2 गिवन है, ठीक है जी। अच्छा डेल्टा टी क्या होगा? इनिशियल माइनस इनिशियल हमसे दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे T2 -25। सर हाँ बेटा बोले। ये हमने वॉल्यूम क्यों लिए मास की जगह? बेटा हमेशा वॉल्यूम मास की जगह, हम वॉल्यूम की जगह मास लेते हैं ना, क्योंकि डेंसिटी जो होती है पानी की 1 होती है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी 1 है तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, समझ रहे हैं? चलिए अब आप मुझे बताएंगे T2 कितना आ रहा है। सर पहले डेल्टा टी बता दो, वो इतनी बड़ी इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना चाहिए। 16.3 डेल्टा टी है, तो अगर अच्छा, हम ठीक है हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा टी तो आप बताएं डेल्टा टी कितना आ रहा है? 16.3 कह रही हैं आप, है ना? जी जी 16.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, ना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इनिशियल टेम्परेचर देखिए, एक मिनट है, देखिए इनिशियल टेम्परेचर 25, इनिशियल टेम्परेचर 25, ठीक है। देखिए मुझे मालूम है कि ये एसिड बेस का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना है ना, क्योंकि डेल्टा एच माइनस में आ रहा है। तो मुझको ये, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे, कि अगर इनिशियल टेम्परेचर दोनों सॉल्यूशन का 25 है, अच्छा ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी, आई एम सॉरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डेल्टा टी है, आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक है, क्योंकि ये T2 थोड़ी है। अब आ जाए स्टेप 5। स्टेप 5 में डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 16.3 इज इक्वल टू T2 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए आंसर आ गया बेटा। ये इतना ही लंबा सवाल है, लेकिन क्योंकि मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, आपको लिखना थोड़ी होगा, आपने तो डायरेक्ट बस एक चीज लिखनी होगी, मोल HNO3 मोल, शॉर्ट डायरेक्ट आंसर। और मेरे बच्चे इतने सही नहीं तो लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बेटा अब ये आपको 13 कह रहा है, ये भी इंथैल्पी का क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वॉटर, सही है जी। अच्छा जी अब आप, क्योंकि ये फॉर्मेशन नहीं है लिहाजा आप कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने 2 किया, लेकिन अगर मैं वहाँ यहाँ 2 करूँगा तो वहाँ पे जो है वो फिर गलत हो जाएगी इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली मुझको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा ऑक्सीजन बस। बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है? और डेल्टा एच आएगा एच रिएक्टेंट माइनस एच प्रोडक्ट, ठीक है। एच रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन, प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये आपके पास आ गया रिएक्टेंट। माइनस प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट है आपके पास OH, कितने OH है भाई इसके अंदर? 2 OH है। 436 प्लस हाफ 496 माइनस 2 टाइम्स 463, बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है? सी वाला आप कह रही हैं, 13 का सी आ रहा है, यानी -242 किलो जूल
पर मोल। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्टिकल कंटेन नाइट्रोजन इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन द आयन N2O2। तो भाई इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, दो नाइट्रोजन प्लस दो ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। नाइट्रोजन पूछ रहा है, 2 × -2 इज इक्वल टू -2। नाइट्रोजन इज इक्वल टू -2 + 4/2। बोले बेटा क्या आंसर आ रहा है? 1 + 1। अब जिसमें भी प्लस वन आ रहा है वो आंसर, जिसमें भी प्लस वन आ रहा है वो आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। तो देखें ये, अब इसका आसान तरीका ये है, ये -1, ये +2, तो न्यूट्रल है, तो नाइट्रोजन को यहाँ पर भी -1 होना चाहिए, ऐसे ही है ना बेटा? अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप ऐसे ही करें, 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, तो नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0 − 4 × 8/2। बेटा -4 आ रहा है ना, नाइट्रोजन +3 − 2 = -1, नाइट्रोजन इक्वल टू -1 + 6। सर बी वाला में वो +2 हो जाएगा ना, वैसे ही बोल रही हूँ। यहाँ जाके 4 × 2 = 8 − 8, वहां जाके +8 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, शाबाश। अब आ जाइए डी पे, डी पे H + N + 2F = 0 1 + N 2 × -2 करते हैं, −2 = 0, सो एन इज इक्वल टू यहाँ -1 वहां जाके +1 + 1। डी इज द करेक्ट आंसर। बेटे समझ आया है? आगे बढ़े ना 15 पे। जी सर। ठीक है जी, आप 15 पे आ जाए। 15 कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एज शोन, विच चेंज विल मूव द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द राइट साइड? सी। वाओ क्या बात है आपकी। अच्छा बताइए ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन? ये एक्सो है, इसका मतलब है ये एक्सो है, लेकिन इस पे कोई फर्क क्योंकि बाकी एसी की बात करें, एसी पे सिर्फ टेंपरेचर इफेक्ट करता है, एसी पे सिर्फ टेंपरेचर इफेक्ट करता है, लिहाजा ए गलत, बी गलत, डी गलत, तो सी ही हो सकता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या बात है आपकी, जबरदस्त, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 देखें, टाइट्रेशन ग्राफ आ गया है, अच्छी तरह समझना बेटा मेरी बात है। मैंने क्या किया, क्या किया, एक पॉइंट ये लिया 9.5 पे, एक पॉइंट ये लिया 2.5 पे, सही है। फिर मैंने कह रहा कि बेटा 9.5 और 2.5 इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। देखो बेटा क्या आ रहा है, प्लस करके 2 से डिवाइड करके, बोलो बेटा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है। तो ये जो मेरे पास आया 6, इसे कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। और ये जो आ रही है ना 9.5 से लेके 2.5, ये कहलाती है स्टीप रेंज। बोलो कि आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? अच्छा जी, अच्छा अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था टाइट्रेशन में, ठीक है, बताइए 6 के अराउंड कब आती है इक्विवेलेंस पॉइंट? मैं अब आपसे पूछता हूं, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो 7 देगा ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंस पॉइंट देगा 7 पे, ठीक है। आप में से अगर किसी को याद है तो एग्जैक्ट बताए, वरना मेरा
चार्ट खोल के बताएं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस, बोले अब कितना होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बोले बेटा स्टीप रेंज क्या होती है, हानिया आपके पास वो चार्ट है जो मैंने स्टीप रेंज का करवाया था? जी सर। आप बेटा आप बताएं जरा कितना होगा, कौन सा होगा सर, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे आपने 6 टू 11 लिखा है स्टीप रेंज, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कितना, 6 टू 11 लिखा हुआ है आपके टेबल में। नहीं 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 नहीं, वो तो इंडिकेटर देख रही हैं आप, नहीं मैं स्टीप रेंज की बात नहीं कर रहा बेटा, आई एम सॉरी, इक्विवेलेंस पॉइंट, इट्स माय मिस्टेक, इक्विवेलेंस पॉइंट 8.5 है, ठीक है 8.5, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का 8.5 है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का 5.25 है, 5.25 है, तो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। तो अब आप देखें ए में, इधर बताएं स्टीप रेंज कितनी आनी चाहिए, 5.25, ये दोनों वीक है, नो स्टीप रेंज, नो इक्विवेलेंस पॉइंट, हो ही नहीं सकता, दोनों वीक है, दोनों वीक का पॉसिबल ही नहीं है ग्राफ, स्टीप रेंज इज नॉट पॉसिबल, नो स्टीप रेंज बिकॉज बोथ आर वीक। बताइए सी के अंदर क्या दोनों स्ट्रॉन्ग है, 7। बताइए डी के अंदर इथेनोइक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना तो वीक होता है बेटा, इथेनोइक तो वीक होता है, बिल्कुल सही कह रही है, अब ये वीक है तो इसकी होगी 8.5, तो नियरेस्ट कौन से जा रहे हैं, ए जा रहा है, मतलब इतना सबट्रैक्ट करके देखा कि 6 से 7 में जा रहा डिस्टेंस है कंपेयर टू 5.25 इस तरह। अच्छा अगर अगर आप गौर से देखेंगे ना, देखिए मैंने ये स्केल भी सही नहीं लिया हुआ है ना, ये देखें ये 9.5 नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ और है, आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात समझ रहे बेटे, ये अंदाजन लिया हुआ है सर, वैसे हम इस तरह देख सकते हैं ना कि अमोनिया का जो पीएच है वो कम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो 13-14 तक टच करता है। अच्छा एक और तरीका आप कर सकते हैं, ठीक है नहीं ये तो सारे बेस है, दोबारा बोलिएगा आप क्या कह रही है, कह रही थी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 13-14 पीएच तक टच करता है तो अमोनिया की उसकी नीचे ही होगी ना, तो अमोनिया ज्यादा सूटेबल होगा एज कम्पेयर टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जी 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 ये भी हो सकता है, लेकिन हम जो है इसको अगर आपको वहाँ एग्जाम में ही समझ आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया की पीएच 11 तक तो नहीं होती है, आप ये कहना चाह रही हैं, मैं कह रही हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की 13 तक होगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सॉल्युबल है ना और स्ट्रॉन्गर है। नहीं हम ये नहीं कह सकते, देखें हम बेस को ये नहीं कह सकते कि उसकी पीएच जो है वो 13 पे हो सकती है या 12 पे हो सकती है, ये ना करें आप, हालांकि मुझे मालूम है 13 तक होती है, ये कुछ सही तरीका नहीं होगा बेटा, ठीक, क्योंकि क्योंकि आंसर तो इसका अमोनिया है, ऐसे तो अमोनिया की भी 11 नहीं होती है, सही है ना, तो ये हम नहीं कह सकते, ठीक है ये हम नहीं कह सकते, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, ये स्टीप रेंज बारे दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। देखो बेटा स्टीप रेंज का क्या मतलब होता है, ये देखो यू सीधा सीधा जाके एकदम खड्डा हो गया ना, जी आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी, तो सर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब आपने पॉइंट्स मार्क करने के बाद फिर क्या करूं, हाफ करना डिस्टेंस को? हाँ उसको हाफ कर लें आप, ठीक है जो आपके पास आ रहा है ना स्टीप रेंज इसको हाफ कर लें, आपको मेरी बात समझ आ रही है?
सर कितना यहाँ पे सेवन का डिस्टेंस आ रहा है ना, नहीं डिफरेंस से कुछ, बेटा डिफरेंस से कुछ ताल्लुक थोड़ी होता है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। अच्छा सही है जी, ठीक है सर, मतलब अच्छा फॉर्मूला है, सही है। आपको आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब आप कह रहे हैं जो मार्क पॉइंट्स के उनको प्लस करके डिवाइड कर दूंगी तो स्टीपली इंच की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इनको इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। सही जी, सही है, ठीक है, ठीक है। आपको ये याद भी करनी होगी स्टीप रेंज। जी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच रो रो शोस द एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एसिटीन व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आयोडीन। ठीक है जी, तो 17 है कि व्हिच रो शोस द एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एसिटीन व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आयोडीन। अच्छा जी बताइए, एस्टेटिन कहाँ है? देखिए ये रहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है जी, बताइए क्या एस्टेटिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि हाई होगा? लेस होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एस्टेटिन। अच्छा अब है वोलेटिलिटी ऑफ एसिटीन कंपेयर टू आयोडीन, सही है। अब आप मुझे बताइए आयोडीन आयोडीन के दरमियान होगी वैन डर वाल, और दूसरा कौन सा एसिटीन, एसिटीन एसिटीन के दरमियान होगी वैन डर वाल, सही है। तो बताइए बताइए कि उसकी वोलेटिलिटी आयोडीन की ज्यादा होगी कम होगी? वोलेटिलिटी एसिटीन एसिटीन सॉरी एसिटीन की पूछ रहे हैं, बताएं एसिटीन की हायर होगी लोअर होगी? लोअर होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी। ग्रुप 17 का ट्रेंड ही है कि डाउन द ग्रुप वोलेटिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज़ क्लोरीन और फ्लोरीन गैस होते हैं पर आयोडीन पैक। बिल्कुल सही जुमला, बिल्कुल सही जुमला। बॉइलिंग पॉइंट रीजन क्या है? रीजन क्या है? सर बॉइलर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना तो वैन डर वाल बढ़ेगी। देखें ये बिल्कुल सही कहा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आप प्लीज मेरी बात समझे, बाकी सब कह रहे हैं ठीक है सही कह, लेकिन उसका रीजन हर एक का एक रीजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वॉलिटिलिटी जो है वो इसकी वॉलिटिलिटी कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वैन डर वाल ज्यादा है, तो लिहाजा लोअर हो जाएगा। तो एसिटीन मोर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक थोड़े स्लो क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं अगर आप नोट करें। अब इसका रीजन क्या है ये देखें, आप भी करके देखें। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि 18 इज द रेट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फॉलोड बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट डेगरेंड में During the experiment, the temperature of the reaction mixture is not controlled. Which graph shows the change in concentration of reactant against time? मेरी बात गौर से सुनिएगा। बताइए, the rate of the exothermic reaction is followed by measuring the concentration of a reactant. तो इसका मतलब है ये reactant की concentration है। बताइए reactant की concentration कम होगी कि increase होगी? कम होगी। तो डी गलत होगी। डी गलत हो गया क्योंकि इंक्रीजिंग है ये, ठीक है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नॉट इंक्रीजिंग, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा तो अब आप सी में देखें, ए में देखें, दोनों में कम हो रही है ठीक है, तीनों सही हो सकते हैं। अच्छा जी द रेट ऑफ एक्सोथर्मिक, अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट मिक्सचर इज नॉट कंट्रोल्ड, आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कंट्रोल किया हुआ है टेम्परेचर? एक खास पैटर्न पे हो रहा है? यस सर, स्पेसिफिक पैटर्न है, स्पेसिफिक
कांस्टेंट पैटर्न है तो इसका मतलब है टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। क्या सी में भी ऐसा ही है? सी में भी ऐसा? हाँ हाँ बोले बोले। सी में तो कौन सा पैटर्न हो रहा है? सी में तो एक खास पैटर्न हो रहा है, नीचे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और फिर कांस्टेंट हो गया। अच्छा तकरीबन खत्म हो गए। अब आप देखें गौर से बी में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, देखिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जैसे ही देखें इनिशियली कांस्टेंट, बिकॉज हीट इज नॉट इवॉल्व, ठीक है, क्विक, क्विकेस्ट, बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड, रिएक्शन रेट फास्ट। बात समझ आ रही है? अब ये कम क्यों हो गए? रिएक्टेंट कंज्यूम, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? बात समझ आ रही है ना? अब आ जाओ 19 पे। फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज 160 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है तो मैं इसका ग्राफ अपने पास बना लूंगा कि ये रिएक्शन मेरे पास हो रहा है। बताइए अगर रिवर्स अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होगा कि नहीं होगा? फॉरवर्ड एक्सो होगा। तो क्या ये एक्सो का ग्राफ है? बोलो मेरे बच्चों फॉरवर्ड एक्सो का ग्राफ है ये? एक्सो का ग्राफ है। अच्छा अब ये कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 160, तो यहां से लेके यहां तक ये कह रहे हैं 160 है। इट कैन बी अज्यूम दैट द बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड बाय अ मैग्नेट दैट इज एग्जैक्ट रिवर्स, क्या है, रिवर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज करेक्ट? अच्छा बताइए फॉरवर्ड एक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 160 से ज्यादा होगी या 160 से कम होगी? क्या एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में हो सकती है? नहीं, नेवर नेगेटिव। अच्छा जी, अच्छा अब ये कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड एक्शन इज जीरो, क्या कभी एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो किलो जूल पर मोल बट लेस देन 160? बताइए के कह रहे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 0 किलो जूल पर मोल, मुझे नहीं मालूम ये 0 किलो जूल पर मोल क्यों लिखी है इसने, बट लेस देन, सर इसमें ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 160? भाई ये मुझे बी समझ नहीं आ रहा, ठीक है सी देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, नहीं ये तो नहीं हो सकती, लेस देन होनी चाहिए, ठीक है लेस देन 160 होनी चाहिए। The activation energy of forward reaction is greater than 160, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो अब B option, और यकीन माने ये समझ नहीं आ रहा। The activation energy of the forward reaction is 0 kJ per mole, but less than plus 0 हो ही नहीं सकता। ये range ही है शायद 0 to 160, but less than 160। शायद range है। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं zero, लेकिन लग but less than 160, चले इसको मान लेते हैं, ठीक है range है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रेंज वाली इंग्लिश लिखी है 0 किलो जूल पर मोल बट लेस देन 1 इज 0? चले रेंज है ये। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2, बेटे बात समझ आ गई है? अगला आ जाओ, HCN has been detected in interstellar gas, the molecules below have also been detected in इंटरस्टेलर गैस, ठीक है।
Which molecule contain the same total number of valence shell? बताएं कैसे करेंगे? ठीक है, बोलो बेटा कैसे करेंगे, कोई आइडिया दो सब। यार बोलो ना, यार आपको सर ग्रुप नंबर देख लेना, ग्रुप नंबर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, बिलो मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल्स बिलो हैव आल्सो बीन डिटेक्टेड इन इंटरस्टेलर। अच्छा विच मॉलिक्यूल कंटेन्स, अच्छा क्या आप में से कोई बता सकते हैं, इंटरस्टेलर गैस क्या ये वो गैसेस तो नहीं होती है जो दूसरे प्लैनेट से, ऐसा कुछ तो नहीं है, आप चेक करके बता सकते हैं इंटरस्टेलर गैस जो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है कि कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स न्यूट्रल फॉर्म। नहीं वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ये गैस कहाँ होती है, मतलब इंटरस्टेलर गैस क्या ये स्ट्रेटोस्फीयर के बाहर गैसेस होती है? ये सन को लिंक कर रहा था। बस ठीक है, सही है, मैं सही था, बस थोड़ा सा एक डाउट था, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बस मैं पूछ देख रहा था कि होती क्या। ठीक है, अच्छा जी, विच मॉलिक्यूल कंसिस्ट सेम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस आउटर इलेक्ट्रॉन एज HCN, बताइए HCN में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर, आउटर का मतलब है HCN का स्ट्रक्चर बनाइए, गिने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वन आउटर इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, बोले ऐसे ही करेंगे नाइट्रोजन में लोन पेयर होगा, भाई वो भी काउंट कर लेते हैं, चले 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल नंबर हो गए वैलेंस शेल पे। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल ही बनता है, इसके अलावा तो बनता ही नहीं है। अब इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर अब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मुझे इसका स्ट्रक्चर ही नहीं आता, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, तो बताइए हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में, मुझे तो इसका स्ट्रक्चर याद ही नहीं है, तो नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, तो बताइए 16 या 6 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है बेटा, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो ये आ रहा है 8 हो गया। नाइट्रोजन कितने में है बेटा, 5, 11, ऑक्सीजन कितने में, 6, ये 11 हो गए बेटे। फास्फोरस कितना आ रहा है, 5, और नाइट्रोजन कितना है, 7, ये कितना हो रहा है बेटे, नाइट्रोजन 5 है सर, नाइट्रोजन 5 है यार, बहुत चला गया अब यार, 10 इलेक्ट्रॉन, डी आंसर सही होगा। बोले मेरे बच्चे, जी बेटा बोले, NH3 क्यों नहीं हो सकता जबकि NH3 के पास लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन पे। हाँ तो मैंने लिखा है ना 5 लिखा है ना, ये अच्छा। देखें, ये देखें, N 2 4 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, सही है सर, समझा, स्ट्रक्चर के चक्कर में लगेंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे, टाइम ही चले आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इस तरह से करें, या आप इसको भी ऐसे कर लेते, ठीक है, हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, नाइट्रोजन 5, कितना हो गया ये 10, कुछ गलत हो गया, सही 10 कहाँ से हो गया, बताओ क्या होगा फिर, बताओ हाइड्रोजन 1 हो गया ना, कार्बन तो ग्रुप 4 का है ना, एक मिनट, कार्बन ग्रुप 4 का है, मेरे बच्चे जीते रहो, खुश हो, चलिए जी 21, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वाई और एक्स, अब आपसे ये पूछ रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेस्ड द हाइट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द कर्व इंक्रीजेस, गलत, पीक हाइट डिक्रीजेस, राइट पे जाता डिक्रीजेस, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेस्ड द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव टू द राइट, बिल्कुल सही है, मूव टू द राइट,
द लेंथ ऑफ द लाइन लेबल्ड एक्स शो द एक्टिवेशन. अरे भाई क्या हो गया, क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी है? नहीं सर. द लेंथ ऑफ द लाइन लेबल्ड एक्स, वो तो ठीक है, बी सही जुमला लग रहा है, बताइए सी क्यों गलत है. द लेंथ ऑफ द लाइन लेबल्ड एक्स सर, वो दिखाता है कितने मॉलिक्यूल्स उसके. बेटा लेंथ 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 गलत है. लेंथ लेंथ का मतलब है पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल, आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेंथ लेंथ का मतलब है पोर्शन मॉलिक्यूल, लेंथ का मतलब है मॉलिक्यूल. बात समझ आ रही है अजीम? यस सर. लेंथ का मतलब है मॉलिक्यूल, लेंथ का मतलब है मॉलिक्यूल, नॉट एनर्जी. अच्छा, क्योंकि वो लेंथ जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर जो है उसे जी जी बट अच्छा, उसने बच्चों को क्या क्या दिमाग है कसम से, क्या क्वेश्चन बनाया, क्योंकि हम भी तो बच्चा तो करके आएगा यही, हम तो यहाँ लिखते हैं ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो हम ये एक्स एक्सिस को दिखा रहे होते हैं, एक्स एक्सिस को, ये कह रहा है लेंथ, लेंथ का मतलब है वाई एक्सिस, कोई इंथैल्पी चेंज इसमें आता ही नहीं, इंथैल्पी चेंज, और इंथैल्पी चेंज एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में नहीं होगा, तो बी इज करेक्ट. चलो जी 22 पे आ जाओ. द एलिमेंट मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस आर रिएक्टेड सेपरेटली विद एन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, ईच ऑक्साइड इज देन एडेड सेपरेटली टू वाटर एंड द पीएच वैल्यूज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशंस आर मेजर्ड. The same two elements are reacted separately with an excess of chlorine to form their chloride. Each chlorine is then added separately to water. समझ ही नहीं आ रहा, खरा क्या है ये? मेरी बात समझ आ रही है? कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ है? आप में से समझ आया? देखिए मैं दोबारा करता हूँ, देखिए दोबारा सुने. The element magnesium and phosphorus are reacted separately with an excess of oxygen. तो आपने ये मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन को डाला, ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है जी. अच्छा, ईच ऑक्साइड इज देन एडेड सेपरेटली टू वाटर, इसको पानी में डालेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. द सेम टू एलिमेंट्स आर रिएक्टेड सेपरेटली विद एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन, अब आप क्लोरीन में रखेंगे टू फॉर्म देयर क्लोराइड MgCl2. Each chloride is then added separately to water. And the pH value of the resulting solution are measured. बताइए क्या HCl बनेगा? जी सर. HCl बनेगा, ठीक है. और पता नहीं क्या बने. हाँ बोले. जब हमने पहले किया था तो आपने Mg2+HCl negative बना दिया था. अगर ये आयनिक है तो Mg+2 और Cl नेगेटिव बनना चाहिए. आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं हमें. लेकिन ऊपर देखिए इसने क्या कहा है कि द सेम टू एलिमेंट्स आर रिएक्टेड सेपरेटली विद एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन. सर हां बेटा बोले. सर फास्फोरस के साथ HCl बनेगा ना, तो लोअर पीएच तो मैग्नीशियम की हुई तो इसका ए नहीं होगा. नहीं अभी तो हमने किया नहीं है ना, अभी तो हमने फास्फोरस को छुआ भी नहीं है, ठीक है, अभी हम एक जनरल चीज बना रहे हैं, ठीक है, मैंने तो ऑप्शन तक नहीं पढ़े. अच्छा अब आपसे सवाल ये है, फास्फोरस, चले फास्फोरस को भी लिख के कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे भाई, वरना मैं फास्फोरस ऑक्सीजन रखेंगे P4O10 बना देता हूँ, ठीक है. सर ऊपर वाले में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा ना? ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाया हुआ बेटे. कितने जहीन बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह. ये बनेगा H3PO4. अच्छा जी, फास्फोरस प्लस क्लोरीन PCl5 बना लेते हैं, H2O. इसमें तो HCl ही बनेगा, इसमें तो कोई बेस नहीं बनने वाला, तो इसका A हुआ ना सर, क्योंकि दोनों की पीएच कम है.
अच्छा बताइए ऑक्साइड गिविंग द हायर पीएच, ऑक्साइड गिविंग द हायर पीएच, ऑक्साइड ऑक्साइड को पानी में डालेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा जो या H3PO4, जाहिर सी बात है मैग्नीशियम इसकी तो बेसिक पीएच ज्यादा होगी तो सी और डी गलत हो गए। क्लोराइड गिविंग द हाईएस्ट हायर पीएच, तो क्लोराइड दोनों HCl बन रहा है लेकिन देखो नहीं नहीं मैग्नीशियम तो न्यूट्रल है, देखिए प्लीज मेरी बात सुने, तो ये 7 आ जाएगा, ये लेस देन 7 आ जाएगा, तो लेस देन HCl का से कम हो गया ना सर, तो यही होगा, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है यही होगा। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? जी सर। नहीं सर फास्फोरस नहीं होगा, मैग्नीशियम तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा ना मैग्नीशियम का, हां ना तो ये 7 हो गई पीएच इसकी, लेस देन 7 हो जाएगी। जी सर ठीक है ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा? अगर तुम इस तरह से मेरी क्लास में डिस्कशन करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सब बोले जिसको बोलना है बोले सीखे, ठीक है। अच्छा अब आ जाए 23, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। द वॉटर इज जेंटली एवेपोरेटेड फ्रॉम ईच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन लीविंग द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड सल्फेट, ठीक है जी। मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट स्ट्रोंशियम सल्फेट बनेगा, थ्री सॉलिड सल्फेट्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर नीडेड टू डिसॉल्व द सल्फेट इज करेक्ट। बताइए इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? मैंने आपको बोला था सल्फेट ऊपर के सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोक्साइड नीचे के सॉल्युबल होते हैं, तो बताइए मैग्नीशियम होगा। क्या चीज बेटा? तो बिल्कुल सही है सी स्ट्रोंशियम, तो मैग्नीशियम ऊपर का मोर सॉल्युबल और स्ट्रोंशियम लेस सॉल्युबल। आइए 24 पे जाते हैं बेटे, बात समझ आ गई आप लोगों को ना? बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा अगला है, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द हैलोजन इज करेक्ट? 24 आयोडीन कैन नॉट बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए ओपीटी था नहीं था? जी सर। तो जी ये सर। तो क्या ये सही होगा? कैन नॉट लिखा हुआ है, करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर करता है, वो कह रहा है करता ही नहीं है लेकिन करता ही, तो गलत लग रहा है जुमला, लेकिन बाकी देख लेंगे। The volatility of the element increases from chlorine to iodine, बताए volatility, अभी तो आपने बताया decreases ये गलत है, decreases है तो ऊपर वाला कैन है। अच्छा अब सी है, व्हेन एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इज एक्सप्लोडेड ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, बिल्कुल सही है। याद नहीं है हीट करने को मैंने कहा था HCl बनेगा, बोले बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा सर अब डी चेक लेते हैं, व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस सॉलिड सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 सोडियम ब्रोमाइड, अरे भाई ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है या SO2 बनता है? ये गलत है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडाइड आयन के साथ बनता है, आयोडीन के साथ आयोडाइड के साथ बनता है, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इसमें क्या बनेगा, इसमें तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा ना? जी जी सर ठीक हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है। 25 व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम सॉलिड सोडियम ब्रोमाइड ब्रोमीन गैस इज प्रोड्यूस्ड, मतलब क्लोरीन भर के दे दिया इसने यार,
H2SO4 सोडियम ब्रोमाइड ब्रोमीन गैस इज प्रोड्यूस अलोंग विद द नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट. ठीक है. हाउएवर व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द सॉलिड सोडियम क्लोराइड तो खाली एक प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस. बिल्कुल सही है. बताइए इसका क्या रीजन होगा. क्या ब्रोमीन इस आपको इसका आंसर पता है. बताइए क्या सी होना चाहिए इसका आंसर. नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस. ठीक है. अगर अगर ऑक्सीडाइजिंग का मसला होता तो दोनों में ऑक्सीडाइजिंग है ना. तो मसला HCl का है. बात समझ आ रही है. अच्छा चलिए वन बाय वन करते हैं. बताए ब्रोमीन इज लेस वोलेटाइल देन क्लोरीन. ये तो बिल्कुल ही गलत है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वीक एसिड. बिल्कुल गलत है. तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी गलत है तो फिर डी सही हुआ. चेक करते हैं डी क्या है. ब्रोमीन आयन इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द क्लोराइड आयन. ब्रोमाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन अ क्लोराइड आयन. बताइए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. और ये दोनों होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. मैंने आपको कराया था रेस्ट इन पीस. रेस्ट इन पीस. बताइए रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस ना. जी सर. तो अगर रेस्ट इन पीस है रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो क्या ये जुमला सही तो लिखा है. बेटी बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है. Yes. अगला है विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्ट. ए ड्यूरिंग लाइटिंग स्टॉर्म एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. बताइए क्या ये जुमला सही नहीं है. सही है. जी सर सही है. करेक्टली सही हो गया. इन कैटलाइटिक कन्वर्टर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. मोनोऑक्साइड गलत हो गया ये. In car engine, the restricted supply of oxygen eliminates the possibility of the formation of oxide of nitrogen. NO बनता है भाई. क्या हो गया. NO तो बनता है ना. अगर complete हो अगर ज़्यादा ऑक्सी होता तो NO2 बनता. In that गलत है ये. In the atmosphere, nitrogen monoxide reacts with sulfur dioxide to produce sulfur trioxide. Nitrogen monoxide या nitrogen dioxide. लेकिन बेटा इक्वेशन पे डिपेंड करेगा. ठीक है. अगर इक्वेशन में NO रिएक्ट हो रहा है NO प्रोड्यूस हो रहा है तो कैटलिस्ट. लेकिन अगर इक्वेशन में NO2 रिएक्ट हो रहा है NO2 प्रोड्यूस तो NO2 कैटलिस्ट. तो लेकिन ये जो जनरल इक्वेशन NO2 और SO2 ही रिएक्ट करता है बाकी सब इक्वेशन बोनस. अब अगर मैं आपसे कहूं कि NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इस इक्वेशन से पहले. अब मेरी बात समझ रही है. तो उसमें तो NO कैटलिस्ट हो जाएगा ना. लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन के बाद NO2 बनाऊं तो फिर NO2 कैटलिस्ट हो जाएगा. नहीं तो अगर हम ये बोलें कि हाँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो फिर तो हमें एक रीजन सही लगने लगेगी. कौन सी स्टेटमेंट सही लगने लगेगी. डी वाली. क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है. अच्छा सही है. नहीं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करता ना. मैंने कहा एक इक्वेशन आती है ये. ठीक है. नाइट्रोजन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव NO2. अगर आपने ये इक्वेशन इस तरह लिखी बाद में तो भाई NO2 कैटलिस्ट है. लेकिन अगर आपने ये इक्वेशन पहले लिख ली है तो NO कैटलिस्ट है. मेरी बात समझ रही.
अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड था लेकिन सिर्फ एनओ को ही रिएक्ट वो तो सही। वो तो रिएक्ट तो एनओ को ही करेगा। चलिए जी 27 पे आ जाइए। ये कह रहा है टू ब्रोमो पेंटेन इज हीटेड विद एक्टिनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो टू ब्रोमो हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है 1 2 3 4 5 ये आ गया टू ब्रोमो, टू ब्रोमो पेन 1 2 3 4 5 टू ब्रोमो पेंटेन। बेटा मेरे सारे नोट संभाल के रखना, ए टू में ये सारा ऑर्गेनिक आएगा, तो मेरी बात समझ लो। अगर तुम लोगों का टीचर चेंज होगा या कोई दूसरा मसला हो जाएगा तो फिर तुम लोगों के आगे मसले हो जाएंगे। ठीक है पूरा पूरा ऑर्गेनिक सिंथेसिस आता है ए टू में, पूरा ए एस का पूरा पूरा ऑर्गेनिक सिंथेसिस आता है ए एस का, तो लिहाजा ऑर्गेनिक आपकी खत्म नहीं हुई है, ए टू में भी यही आएगी दोबारा। तो आइए दोबारा देखते क्या चीज़ पूरी ऑर्गेनिक ए टू में आएगी, पूरी ऑर्गेनिक पूरी सिंथेसिस आएगी पूरी। एक क्वेश्चन आता है बस खाली उससे, हाँ सर रिपीट। तो लिहाजा इन टच में रहना ऑर्गेनिक के वाले से। ठीक है अच्छा जी स्ट्रक्चर भी बताना है स्टीरियो भी बताना है, ये इसके अंदर खास बात है, अगर ये नहीं लिखा हो तो फिर आप नहीं कर सकते। बताएं अल्कीन बनेगा अल्कोहल बनेगा, अल्कीन बनेगा अल्कीन, अल्कीन बनेगा मेरा बच्चा। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, इसका सिस भी बन सकता है इसका ट्रांस भी बन सकता है। बोलिए बोलिए आपको क्या ये जुमला बात समझ आ रही है जी सर, तो बताइए क्या आंसर होगा। थ्री बिल्कुल थ्री आपका सही आंसर है, ये वन है ये टू है ये थ्री। सर ये क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बोले सर, डबल बॉन्ड को आगे भी तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो भाई कितना आगे लेके जाओगे, या तो इधर होगा या इधर होगा, नहीं तो मेरी स्ट्रक्चरल ऐसे में तो फिर भी होगी ना अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो। वो तो तुम अपने पास से बनाओगे ना, रिएक्शन थोड़ी बनाएगा, ये कह रहे रिएक्शन से बने। अच्छा सही है ठीक है, मेरी बात समझ रहे बेटा, देखो ना लिखे ना हाउ इट आर प्रोड्यूस्ड नॉट बाय योर हैंड बाय द रिएक्शन। हाँ समझ रहे हो, ठीक है सर समझ गया। अच्छा विच कंपाउंड इज अ सेकेंडरी अल्कोहल दैट कैन बी डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म अल्कीन विद एमआर। अच्छा जी आप मैं आपकी करा रहा हूँ प्रैक्टिस, बताएं क्या इससे थर्ड डिग्री से अल्कीन बन सकती है, ये निकालें जल्दी से इसका एमआर। अच्छा बात सुनिए लिखा सेकेंडरी अल्कोहल, तो बताएं ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि एट थर्ड डिग्री अल्कोहल टर्शियरी है। बिल्कुल सही बात है, ये सेकेंड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, वो जिस ये भी सेकेंड डिग्री है। ठीक है मेरे बच्चों तो ये गलत हो गया, थर्ड डिग्री है, तो आप इसमें निकालेंगे क्या होगा। इसको यू करेंगे, कोई भी एक अल्कीन बना लें आप, कोई सी भी एक अल्कीन, तो इसमें 70 आ रहा है, इसमें MR आ रहा है 70। अब इसका तरीका कार क्या है, पागलों की तरह से काम नहीं करना, कार्बन गिनो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 C5H10 12 5 16 60 plus 10 70 ऐसे करना, इसका बना ये बोलो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 तो 4 कार्बन 4 2 8 तो 12 4 48 48 plus 8 56 कितना बेटा 56 हो गया। अच्छा जी आप इधर आ जाइए अगले वाले पे, इसको अल्कीन बनाएंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा, बताएं कितने कार्बन है। आप इसको आपने बनाना पड़ेगा, ठीक है ये दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन तो टोटल 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने बेटे,
आठ हो गए, फाइव ठीक है आठ, तो 60 + 8 68। अबे ये तो कोई भी नहीं आ रहा आंसर बेटा, तो दोबारा से भी याद हो रहा है सर, तब भी याद हो रहा है, मैं समझा ओ माय गॉड आई एम सॉरी, मैं समझा 73 है सॉरी 29। द कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन वन ऑल इनटू प्रोपेन टू ऑल कैन बी कंप्लीटेड इन टू स्टेज। सही है जी, यानी वन ऑल से इसका मतलब है आप अल्कीन बनाएंगे, अल्कीन की हाइड्रेशन करेंगे, कल हमने बात की रिएक्शन की, जब भी फन ओल से, मेरी बात और से सुने, मैं आपको इधर लिख रहा हूँ ये डी आई करके बना के लिख लें, कि जब भी प्रोपेन वन ओल है, ये देखिए ये आ गया प्रोपेन वन ओल, ये आ गया ओ एच, इसकी एलिमिनेशन करेंगे ठीक है, इसकी एलिमिनेशन करेंगे, इसकी जैसी एलिमिनेशन करेंगे तो ये बनेगा ये ठीक है। आप इसमें डाल दें स्टीम, स्टीम डाल दें, H3PO4 डाल दें, 330 डिग्री सेंटीग्रेड डाल दें, 6 MPa प्रेशर कर दें, अब ये टू होल बन जाएगा। मैंने कल भी समझाया था, अभी भी आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही, बताइए कौन सा आंसर सही है विच सेकंड स्टेज। सी, लंबी करनी ही नहीं है ना, डायरेक्ट हो गया। विच टाइप ऑफ रिएक्शन हैपेंस ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-bromo-propane, बताएं 2-bromo-propane ये रहा, बताएं इसका फ्री रेडिकल होगा क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यही कहा है ना आपने, फ्री रेडिकल तो अल्केन में होता है, तो ये अल्केन तो है सही, तो हैलोजन नहीं, क्या मतलब सर हाइड्रोजन से अल्केन है, ये हैलोजन अल्केन है, ये अल्केन नहीं है, सही है। हाँ हैलोजन अल्केन भी देते हैं, लेकिन उसने लव्स लिखा है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बेटा यहाँ OH लगाओ, तो PR नेगेटिव किया, नेगेटिव आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है, फ्री रेडिकल भी सही हो सकता था, अगर इसने हाइड्रोलिसिस कलर्स नहीं लिखा होता तो फ्री रेडिकल भी हो सकता था। चलिए 31, अ मिक्सचर ऑफ इथेन एंड एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स ईच कंटेनिंग ओनली 2 carbon atoms and at least 1 chlorine atom per molecule can be formed. A mixture of ethane, here is ethane, C2H6, chlorine ke saath react kiya hai. How many different products? Repeat hua hai, purane year ka question hai ye. Only, ye dekhe, aaiye. Ye dekhe, ye pehla option hai aapke paas. Ek chlorine idhar lagega. दूसरा ऑप्शन ये है 2 chlorine इधर लग जाए, तीसरा ऑप्शन ये है 2 chlorine यहां लग जाए। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स ईच कंटेनिंग ओनली टू कार्बन एटम एंड एटलीस्ट 1 chlorine atom पर मॉलिक्यूल, पहले मुझे बनाने दे फिर चेक करते हैं ठीक है। ये कार्बन आ गया, 1 chlorine इधर 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 बेटे, उसके बाद है 3 हो गए 4 3 इधर 1 इधर, फिर बेटा 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए, फिर 3 इधर 2 इधर, फिर 3 इधर, उन्हें कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6
सेवन एट नाइन। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है? ये वाले कभी बनाने नहीं आते। अभी आप देखे मैंने कैसे बनाया, समझ आया? पुराने ईयर का क्वेश्चन है। अभी मैं आप मेरे बच्चों तुम्हें तुम लोगों को बात समझ आ गई है? ओहो बोलो ना यार। जी सर समझ आ गया। ठीक है चलो अब आ गया तो 32। ये भी पुराने ईयर का क्वेश्चन है। व्हेन वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन द प्रोडक्ट इज एक्स राइट। व्हेन वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट विद एचसीएल मेजर प्रोडक्ट इज वाई। आइए ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं क्या बनेगा। ये देखें ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या आपने सही है। तो एक ब्रोमीन इधर लगा देंगे। बेटा आज क्यूरी की क्लास नहीं हो सकेगी, कल परसों में रख लूंगा, मुझे जाना है। आप आई एम सॉरी मुझे अचानक घर में कहीं जाना है काम से। ठीक है बेटे मैं अभी इंशाल्लाह 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 सेवन को पेपर है ना है मेरे बच्चों सेवन को है ना सर? चार को है केमिस्ट्री का, चार तारीख केमिस्ट्री चार को है। अच्छा अच्छा तो सेवन को अच्छा फोर को। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास, अभी भी 14 दिन है यार, टेंशन क्या है। अब इंशाल्लाह कल से मैं दो दो ईयर स्टार्ट कराता हूँ, कल से मैं कराता हूँ इंशाल्लाह। यहाँ अब बताइए मेजर प्रोडक्ट कह रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ बी आर लगेगा। ठीक है बेटे बताइए कौन सा सही आंसर है। बताए एक्स इज अ मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर, क्या ये कायरल है? जी सर तो चार होने चाहिए, नहीं ऐसे दो चीजें चाहिए चार। तो इसके कितने टू की पावर चार होने चाहिए ना, चार होने चाहिए आइसोमर, ये करेक्ट है ये करेक्ट है। ये स्टीरियो सेंटर है ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर अब अगला कह रहा है व्हाई डज नॉट इसमें कह रहा है व्हाई डज नॉट हैव स्टीरियो आइसोमर, व्हाई इज अ मिक्सचर ऑफ फोर स्टीरियो आइसोमर। अब बताएं व्हाई में क्या ये कायरल हो जाएगा सर? नहीं होगा ना, सिमेट्री होती है तो नहीं सिमेट्री नहीं। ये पूछा व्हाई डज नॉट हैव स्टीरियो आइसोमर, तो सही है नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके आगे ये दोनों सेम है, इसके आगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो लिहाजा सही आंसर है। बोलो मेरे बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो 33 पे आ जाओ। 33 पे 33 कह रहा है टी इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स 66.7% बाय मास ऑफ कार्बन, टी आल्सो कंटेन्स वन एटम ऑफ ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल, टी रिएक्ट्स विद अल्कलाइन। बताइए अल्कलाइन से रिएक्ट कर रहा है इसका क्या मतलब है? वो जो आइडोफॉर्म देगा। ठीक है अब आप गौर से देखें, मैंने यहाँ पर मिथाइल प्रोपेन टूओल बनाया हुआ है। बताइए ये थर्ड डिग्री है, क्या ये कभी आइडोफॉर्म देगा? नहीं, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है आप भी आ जाए, ये हो गया ब्यूटेन टूओल। बताइए क्या OH के बराबर में मिथाइल है? जी ये जी देगा एक आइडोफॉर्म। अच्छा ब्यूटेनॉल बताइए क्या ये देगा? ब्यूटेनॉल नहीं देगा, ये नहीं देगा क्योंकि ब्यूटेनॉल में मिथाइल ग्रुप नहीं है। अब ये ब्यूटेनोन है तो बताइए 1 2 3 4 क्या ये देगा? देगा हाइड्रोफॉर्म देगा। तो मैंने यहाँ पे टिक लगाए दो। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर 66.7% बाय मास, मैंने क्या किया इसका एमआर निकाला, इसका भी एमआर निकाला मैं। ठीक है एमआर कैसे निकाला? आपके पास है ब्यूटेन टू ओल, तो ब्यूटेन टू ओल का फॉर्मूला है एमआर का
एम आर का फॉर्मूला है अल्कोहल का सी एन एच टू एन प्लस टू ओ। तो अगर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन है तो ये होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होगा ना। तो 12 4 48 48 प्लस 10 प्लस 16 कितना होता है बेटा, ये 74। ऐसे निकाला है MR 74। आपको मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों, ये नहीं आ रही है? चलो आगे देखते हैं। आगे ये कह रहा है इसका इसका MR देखो कैसे निकाला है मैंने। इसका फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन ओ। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन है। तो सी फोर एच एट ओ, 48 प्लस 8 प्लस 16 बोलो कितना हो रहा है, 72। तो आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला लगाया, कैसे लगाया देखें, ऐसे आपने लिखा इसके अंदर कार्बन चार है, एक का 12 है, टोटल एमआर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 64.86। चार कार्बन है, 12 इसका एआर है, इसे मल्टीप्लाई करके एमआर 72 से डिवाइड करके 66.7। तो बोलिए किस में आ रहा है, 66.7 डी में। तो डी करेक्ट आंसर कर दिया। बोले बात समझ आ रही है? चलिए आइए अगला करते हैं। 34 है, which statement about butanone is correct? पहला सवाल है butanone can be dehydrated, butanone ketone का भी dehydrated होता है? तो भाई dehydrated गलत लिखा हुआ है, dehydrated गलत लिखा हुआ है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? डिहाइड्रेटेड गलत लिखा हुआ है मेरे बच्चों, डिहाइड्रेटेड का गलत लिखा हुआ है। अगला है ब्यूटेनोन गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ टॉलरेंस, ये भी गलत है। एल्डिहाइड देते हैं, सीए ब्यूटेनोन रिएक्ट विद एचसीएल बाय एन इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक होता है न्यूक्लोफिलिक होता है, न्यूक्लोफिलिक। अब टीए ब्यूटेनोन रिएक्ट विद NaBH4 टू गिव अ काइरल प्रोडक्ट। तो ये आपके सामने मैंने रिएक्ट करा दिया, ये ब्यूटानोन है और इस तरह से मैंने इसका प्रोडक्ट बना दिया। यहां पर साइनाइड लगेगा, नहीं साइनाइड क्यों लगेगा, रिडक्शन कराइए ना। तो पहले सही लिखा था एच, खाली अल्कोहल बन जाएगा बेटा। क्या कार्बन है ये, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। चलिए 35 पे आ जाइए। 35 कह रहे हैं बेटा मिथाइल टू ब्यूटीन रिएक्ट विद HBr एट रूम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस कंपाउंड एक्स एज अ मेजर प्रोडक्ट। कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद KCN इन इथेनॉल टू प्रोड्यूस कंपाउंड Y। कंपाउंड Y इज हाइड्रोलाइज्ड with acid to produce compound Z. What is compound Z? चलिए जी, अब ये कह रहा है methyl 2-butene reacts with HBr. ठीक है जी, अब आपने यहाँ HBr के साथ react करवाया, तो देखिए ये compound बन गया जो मैंने बनाया, सही है। Br यहाँ लगेगा, ये major product होगा, ठीक है, major है ये, major। अच्छा जी, कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद साइनाइड, अभी साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन की जगह साइनाइड आ जाएगा, ठीक है जी। ये बना कंपाउंड वाई, ये बना कंपाउंड एक्स, फिर ये कह रहे हैं इसको हाइड्रोलाइज कर दिए, ये बन गया कंपाउंड सेट। बताइए इसका नाम क्या है बेटा, टू पे देखिए, काउंटिंग कार्बोक्लिक एसिड से स्टार्ट करेंगे ना,
ये कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर थ्री, ये कार्बन नंबर फोर। टू पे दो मिथाइल लगे हुए, टू टू डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? ये इसका आंसर हो गया। चलिए 36 पे आ जाइए। 36 कह रहा है कंपाउंड क्यू कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय HCl। द टू प्रोडक्ट ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस हैव द सेम न्यूमेरिकल फार्मूला। आइए वन बाय वन करते हैं। देखिए ये रहा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास आ गया सॉरी कंपाउंड टू एस्टर। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे यहां से ये टूट जाएगा ना बेटा, यहां लगेगा OH, यहां लगेगा H, ऐसे ही है ना बेटे? देखिए यहां लग गया OH, यहां लग गया H, ऐसे ही है सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो A वाला है उसके अंदर वो जो OH है वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा? मतलब मैं पूछ रही हूं उससे, क्लोरीन से क्लोरीन और OH रिएक्ट नहीं करेंगे? कंपाउंड क्यू कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय, नहीं एसिड का एच पॉजिटिव ज्यादा क्लोरीन तो नहीं आता, पानी क्या बोला, पानी रिएक्ट करेगा ना, पानी रिएक्ट करता है ना बेटा हमेशा। जब भी एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं तो एस्टर का एस्टर बॉन्ड टूट जाता है और एक जगह OH पास करता है, वो गैसियस HCl होता है। नहीं हमने एस्टर में तो कभी भी गैसियस से नहीं किया, हमने तो हैलोजन की बात नहीं कर रही, मैं अल्कोहल जो तो है ना ए वाले पार्ट के अंदर उसकी बात कर रही। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी बात कर रही, ये वाला ये यहाँ पे लग जाएगा? जी जी ये बोल रही हूँ। अल्कोहल में HCl रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो उसका गैसियस होना तो जरूरी नहीं है ना, वो तो एक्वस दिया। नहीं नहीं उसमें वो तो है, वो हमने जो HCl पढ़ा था ना वो हमने अल्कोहल में पढ़ा था, HCl गैसियस C2 रिएक्शन इन सीटू पढ़ा था ना। हाँ वो तो गैसियस, हाँ सही कह रही, वो तो HCl गैसियस था, सही SOCl2 था, वो गैसियस होगा तो क्लोरीन होगा। ठीक है वेरी गुड। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, CH2O। अब इसमें देखिए दो कार्बन है, दो दो चार पाँच छः हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, C2H6O2। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1s are 2, CH3O। तो ये तो गलत हो गया, सेम तो नहीं आ रहे, आप मेरी बात समझ रहे? जब आप इसको करेंगे तो देखें यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे ही बनेगा, इसका एल्केल फॉर्मूला CH2O है। और जब ये करेंगे तो इसके इस साइड पे OH लगेगा, ये रहा OH, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने निकाला C3H6O3, ये भी CH2O आ गया, ये भी CH2O आ गया, बोथ आर सेम, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने डी को भी ऐसे ही किया, इसको यहां से थोड़ा इधर OH लगाया, इधर OH तक, यानी इधर आपने S लगा, वैसे तो यहाँ पे OH लगता है और यहाँ S लगता है। अब आप देखें ये तो हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? चलिए 37 पे आ जाइए। 37 कह रहा है एन अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल एक्स टू फॉर्म एन एस्टर, द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टर इज शोन, ये एस्टर दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज शोन इन दिस एस्टर, बताइए। ये दोनों कार्बन नीचे है ना और ये हाइड्रोजन दोनों ऊपर है ना, तो बताइए ये सी से के ट्रांस है, सिस में आपने ए और बी में स्टिक लगा दी। ठीक है अब आपने इसको जैसे ही हाइड्रोलाइज किया तो ये ये ये, ये वाला टूट गया, ये अल्कोहल बना दिया, यहाँ ओ एच लगेगा, यहाँ एच लगेगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये देखें यहाँ OH लगेगा। तो अब आप मुझे बताएं ये फर्स्ट डिग्री है सेकंड डिग्री है? सेकंड डिग्री है, तो ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 38, विच टू स्टेप प्रोसेस कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनॉल इनटू साइक्लोहेक्सेन 1,2-डायोल।
आपने करा क्या, पता नहीं क्या किया आपने, ये बनाया है बस, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कैसे, तो एक अल्कोहल से एक अल्कोहल और बनाया आपने, ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि आप एक काम करें, इसको अल्कीन बनाएं, ये अल्कीन बना लें ऐसे, और इसमें कोल्ड केमिनो फोर डाल दो, डायोल बन जाए, इधर Al2O3 डाल के हीट कर दो, बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है, बोलो मेरे बच्चों यहाँ पे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। कोल्ड केमिनोफोर आपने डाल दिया, और उसके बाद आपने जो है वो अगर आपने H2S देखे, ए में देखे आप, अगर आप कोल्ड केमिनोफोर डालेंगे तो दो OH लगेंगे, यहाँ स्टीम करेंगे तो एक OH लगे, इसलिए बी गलत है, ये हो नहीं सकते। आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये सही है ये गलत है। अच्छा नीचे मैंने पूरा दिखा भी दिया। अब आइए 39 पे। अब 39 कह रहा है इन पॉलीमर जी कार्बन एटम इन द पॉलीमर चेन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन एटम एंड वन मिथाइल ग्रुप। देखिए गौर से मैंने क्या किया, इसने कहा है कि इन पॉलीमर जी एवरी कार्बन एटम इन द पॉलीमर चेन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन। ये देखिए मैंने क्या किया, एक कार्बन बनाया इधर, इसने कहा एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है एंड वन मिथाइल ग्रुप और इससे जुड़ा हुआ है। सो व्हिच अल्कीन कुड बी पॉलीमराइज्ड टू मेक पॉलीमर जी, ठीक है। अब आइए ऐसा चीज चाहिए आपको, तो बताए ब्यूट वन इन, ये ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन से बन सकता है, आइए ब्यूट वन इन देखते हैं क्या होता है ब्यूट वन इन। वन टू थ्री फोर, ऊपर आ जाएगा C2H5, बोले क्या इससे बन रहा है बेटा, इसमें तो एक और एच एक मिथाइल नहीं आ रहा ना बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे जी? ब्यूट वन इन तो गलत हो गया, आप ब्यूट टू इन पे आ जाइए, ये रहा ब्यूट टू इन। अब आप देखें ब्यूट टू इन में, ब्यूट टू इन, ये ब्यूट टू इन है या ब्यूट वन इन है, क्या है ये बेटा, ये ब्यूट ब्यूट वन इन नहीं है, ब्यूट टू इन बनाना पड़ेगा, ये रहा ब्यूट टू इन, बोले दोनों तरफ एच और सी एच थ्री आ रहा है, बोले बेटा दोनों तरफ तो यही आंसर सही होगा। अब मिथाइल प्रोपीन आइए, मिथाइल प्रोपीन, मिथाइल प्रोपीन, तो मिथाइल प्रोपीन क्या चीज होती है, मिथाइल प्रोपीन ये होता है मिथाइल प्रोपीन, ये है मिथाइल प्रोपीन, बोले इस पे एच सी एच थ्री आ रहा है, बोल क्यों नहीं रहे भाई, दो सी एच थ्री लग रहे हैं, दो सी एच थ्री लग रहे हैं, एक सी एच थ्री और एक एच थ्री है ना। आप बताइए प्रोपीन, ये आ गया प्रोपीन, ये आ गया प्रोपीन, वन बोले ये नहीं बन रहा क्या, बोलो बेटा क्या ये नहीं बन रहा, ये भी बन रहा, ये नहीं बन रहा बेटा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हर कार्बन नहीं होगा, इसके अंदर जो पॉलीमर बनेगा ना वो यू बनेगा, सी एच एच, दो एच आ रहे हैं। अच्छा एक ही होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, सिर्फ ये देखिए ये डिफरेंट है, इस वजह से ये गलत हो गया,
ये सही है, ये देखो ये दोनों SCH3, ये दोनों SCH3। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये मास स्पेक्ट्रम का है। बताओ M+1 पे क्यों आती है? बिकॉज ऑफ C13। M+2 पीक बताती है 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन। अब आपसे कह रहा है पीक एम इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक, एम पीक एम हैज अ रिलेटिव अबंडेंस 15 टाइम्स दैट ऑफ द पीक M+1। तो अब तुम क्या करोगे, इसको 15x कर दोगे, इसको x कर दोगे और नंबर ऑफ कार्बन निकाल दोगे। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय, आपने एक्स लिखा नीचे 15x रखा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आ गया 6। 6 कार्बन एटम है इसके अंदर। अब अगला पॉइंट देखो, ये कह रहा है कि पीक एम एंड M+2 आर ऑफ इक्वल हाइट, इसका मतलब है ब्रोमीन है, अगर क्लोरीन होता तो 3:1 होता। तो बताइए इन सब में से कहाँ ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है कैंसिल, क्लोरीन है कैंसिल, ब्रोमीन सही, ब्रोमीन सही। अब आइए 2-ब्रोमो-मिथाइल हेक्सेन बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे ब्रोमो लगा है, गिनो कितने कार्बन है। वन टू थ्री फोर, बेटा क्या हो गया, क्यूरी गिन रहे कितने कार्बन, 7 कार्बन है नहीं है। तो यस 2 मिथाइल इधर आ गया, 2 मिथाइल इधर आ गया, 3 ब्रोमो इधर आ गया, इसमें कार्बन गिने कितने कार्बन है, काफी हार्ड मुझे। 6 कार्बन है, तो यही आंसर सही होगा। बोलो मेरे बच्चों मेरी बात समझ आ गई है। तुम्हारा सर 15x कहाँ से आया था? बोलना क्या कह रहे हो, फिफ्टीन एक्स कहाँ से आया था ये पूछ रहे हो? क्वेश्चन में लिखा है ना 15 टाइम्स दैट ऑफ द पीक M+1। बेटे मेरी अच्छा आवाज, सही सही। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। चलो चलो बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, मैं कोई फालतू इंसान नहीं हूँ, मेरी बात